उनके नित्य लीला प्रवेश हो गया है। सब संत समाज, गायक समाज सब दुखी हैं, उनके लिए सभी को श्रद्धांजलि निवेदन करते हैं। हम भी उनके लिए राधारानी के चरण में प्रार्थना करते हैं, राधारानी उनको अपने नित्य लीला में स्वीकार करके उनके जीवन धन्य हो जाए। ये रसिक बाबा पहले थे, नंदगांव में रहते थे, एकांत में रहते थे ब्रजवासी। अच्छा भजन नंदी, लेकिन इतना सुकंठ, इतना सुकंठ, भगवत प्रदत्त कंठ, इतना ऐसे सुंदर कंठ तो हमने पहले कभी सुना नहीं। आज से लगभग 35 साल पहले की बात है, हम प्रेम सरोवर रहते थे। एक दिन बैठे हैं हम आसन में, उस समय रसिक बाबा को कोई जानते नहीं थे, अल्प उम्र था, तो कुंड के किनारे में बैठ करके खोल के भजन गा रहे हैं। हम सुन रहे हैं, भाई इतना दिव्य कंठ, ऐसा कंठ तो हमने कभी सुना नहीं, और इतनी आकर्षण शक्ति कंठ में, इतनी दिव्य। हमारे जब तक नियम पूरा नहीं होता है तब तक हम आसन छोड़ते नहीं है दोपहर के समय। फिर हमने उठ करके गए, देखते हैं एक नवीन साधक वैष्णव दिव्य कंठ में भगवत गुणानुवाद कीर्तन कर रहे हैं, अद्भुत कंठ। हम विमोहित हो गए। फिर उनको आदर करके हमने कुछ दिन रखे थे हमारे पास प्रेम सरोवर में। हमने बोला आप यहाँ से कहीं नहीं जाइए, यहीं रहिए, यहीं भजन कीजिए। अनिता युवा हुई था उस समय, तो वहाँ बहुत दिन हमारे सान्निध्य में रहे, हमारे वहाँ प्रसाद पाते थे। उसके बाद फिर वृंदावन में गए, फिर तो हम जानते नहीं कहाँ गए। ये रिकॉर्डिंग किए, उनका भजन संध्या ये प्रकाश होने लगा, और उनके दिव्य कंठ जो है इसमें समस्त साधक समाज बहुत ही प्रभावित है उनके गायन, उनके जो भजन संध्या। भजन तो बहुतों गाते हैं है? लेकिन ऐसे दिव्य कंठ और ऐसे दिव्य रचना जो कि कोई भी मनुष्य को वो मोहित करने में समर्थ हो, ऐसे आज हम ऐसे पवन सान्निध्य से वंचित हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। आज हमारे बीच में से ऐसे महान पुरुष, महान साधक, महान गायक नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राधारानी उनको अपनी सेवा में अंगीकार कर लें, ये प्रार्थना। जय जय श्री राधे।